हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2023 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। आज की इस वीडियो के अंदर ना हम बात करने वाले इसके बेस वेरिएंट के बारे में, क्या कुछ इसके अंदर ऑफर किया जाता है और क्यों ये इतना ज्यादा सेल हो रहा है, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर इस कार की एसेसरीज भी दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ आप इंस्टॉल करवा सकते हैं बेस वेरिएंट अगर आप कंसिडर कर रहे हैं ग्रैंड विटारा के अंदर। तो सबसे पहले अगर प्राइसिंग की बात करें, 10.70 लाख रुपीज से इसका एक शोरूम प्राइस स्टार्ट हो जाता है और जाता है 19.95 लाख रुपीज तक। दो इंजन ऑप्शन आते हैं यहाँ पर इस कार के अंदर, नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और हाइब्रिड पेट्रोल। बेस वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, 1.5 लीटर का ही यहाँ पे इसमें दोनों इंजन ऑफर किए जाते हैं। बाकी पीछे हमारे ये खड़ी है एसेसरीज के साथ बेस वेरिएंटी। एसेसरीज आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप क्रोम बेडिंग लगवा सकते हैं ऐसी कुछ, फिर आप ये वाला पार्ट अपना लगवा सकते हैं। बेस वेरिएंट के अंदर अलॉय व्हील्स नहीं आते, तो आप ऐसे कुछ 17 इंच के अलॉय व्हील्स भी लगवा सकते हैं। कार के अंदर भी चेंजेस है वो मैं आपको भी चलकर दिखा देता हूँ पहले, फिर हम बात करेंगे ओवरऑल उस कार के बारे में। तो यहाँ पर आप अंदर से देख सकते हो इनके अंदर ये मैट्स इंस्टॉल किए गए, नेक्सा के ओरिजिनल हैं ये वाले, आप अभी अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रंट से, तो यहाँ पर फ्रंट में और कोई भी चेंज नहीं है। बाकी अभी मैं हूँ फिलहाल नेक्सा पंचकुला के अंदर, यहाँ पर आप आकर अपनी कार बुक वगैरह करवा सकते हैं। वेरियंट्स की अगर बात करें तो इस कार के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पर काफ़ी सारे वेरियंट्स ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि सिग्मा, डेल्टा, जेटा, एल्फा, या चार आपको मिल जाएंगे यहाँ पर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ। फिर आपको मिलेगा जेटा प्लस और एल्फा प्लस, ये दोनों आपको मिल जाते हैं हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ। यह है इसका बेस सिग्मा मैनुअल वेरिएंट, और जिससे ऊपर आता है डेल्टा, उस वेरिएंट से आपको यहाँ पर इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इंजन हुड आपको सबसे पहले यहाँ पे खोल के दिखाऊंगा मैं इस कार का। यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि इसके अंदर प्रोड्यूस करता है 103 PS की पावर, और साथ ही साथ निकाल कर देता है 137 न्यूटन मीटर्स कट ऑफ, 21.11 की इसकी एयर है, क्लीन माइलेज है, फोर सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड एंड रिलायबल इंजन है ये, एंड ये वन ऑफ द टॉप रीजन है इस कार के इतना ज़्यादा बिकने का। इंसुलेशन भी आपको यहाँ पर इसमें दी जाती है। देखो इंजन एक तो रिलायबल है, ऊपर से माइलेज आपको इतनी अच्छी निकाल कर देता है, साथ ही साथ मारुति का प्रोडक्ट है, एंड ओवरऑल ना कहीं स्मूथ भी है ये इंजन, तो इस वजह से ये कार काफ़ी ज़्यादा बिकती है। बाकी लुक्स इस कार के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, लुक्स देखो यार कितने ज़्यादा बढ़िया लगते हैं इस कार के, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। कनेक्टेड टेल लैम्प्स वगैरह आपके यहाँ पर इस कार में मिल ही जाती हैं। बाकी ना वीडियो में आगे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी कार के लिए इन्वॉल्व के इंसिग्निया का परफ्यूम के बारे में। ये परफ्यूम ना एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मिक्सचर एक्वा और सिट्रस नोट्स का आपको प्रोवाइड करता है, जो कि ना आपको एक इंस्टेंट फ्रेशनेस के साथ लाएगी आपकी कार के अंदर। एक बिजनेस क्लास वाली अगर आपको फील चाहिए ना, जरूर से इसे जाकर बाय करें, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जेल टेक्नोलॉजी है तो बिल्कुल भी लीक होने का यहाँ पे डर नहीं है, फ्रेग्रेंस कंट्रोलेड आ रही है और बहुत इजीली परफ्यूम 50 डेज तक लास्ट भी कर जाता है, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और द कार शो कूपन कोड यूज करने पर आपको इसके ऊपर फ्लैट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं इसका कंपैरिजन बेस वेरिएंट का एलिवेट के बेस वेरिएंट के साथ करें, तो कमेंट सेक्शन में को जरूर से बताना। बाकी यहाँ पर आप बैक लुक देख सकते हो, एलईडी में आपको यहाँ पर इसमें पूरी टेल लैंप्स देखने को मिलेगी, ग्रैंड विटारा की बैचिंग, सुजुकी का लोगो, स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग आपको यहाँ मिल जाती है। ये बेसिकली माइल्ड हाइब्रिड प्योर हाइब्रिड वाली अलग रहती है, उसके अंदर आपको प्रॉपर हाइब्रिड की बैचिंग मिलेगी। इंडिकेटर यहाँ है, रिवर्स पार्किंग लाइट है, और साथ ही रिफ्लेक्टर मिलेगा। कोई भी कैमरा नहीं आएगा इस वेरिएंट के अंदर। चार पार्किंग सेंसर आपको रियर में मिल जाते हैं। डिफॉगर आपको मिल रहा है, वाइपर वॉशर इसमें नहीं आने वाला है। ब्रेक लाइट यहाँ पर एलईडी में आपको मिलेगी। शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है। कोई भी सनरूफ नहीं है। बाकी साइड से आप कंप्लीट लुक देख सकते हो कार का, कुछ ये ऐसा कंप्लीट आपको देखने को मिलने वाला है। 17 इंचेस के इसके अंदर आपके यहाँ पर इसमें स्टील व्हील्स आएंगे, ये आप देख सकते हो। पोलो ब्रांड के टायर्स हैं, 215/60R17 टायर प्रोफाइल है। ऑल फोर डिस्प्लेक्स आपके यहाँ पर इस कार के अंदर मिल ही जाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। फुल बॉडी क्लैडिंग इस कार में दी जा रही है। फ्रंट पे यहाँ पर इसके हैं एलईडी डीआरएल्स, जो कि ड्यूल फंक्शन एज ए साइड टर्न इंडिकेटर भी वर्क करेंगे। फिर नीचे आपके यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं इस कार के अंदर, जो कि इसमें रहने वाले हैं हेलोजन बेस्ड, ये आप देख सकते हो इनका थ्रो। अपर वेरियंट्स के अंदर यही सेम सेटअप आपको एलईडी के अंदर देखने को मिलेगा। ग्रिल आपको ग्लॉसी ब्लैक पर देखने को मिलती है। क्रोम इंसर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। सुजुकी का लोगो यहाँ पर इसमें सेंटर में दिया जा रहा है। बाकी सिल्वर कलर में आपको नीचे स्किड प्लेट्स मिल जाती हैं, एंड ओवरऑल लुक आप देख सकते हो कार का फ्रंट से ऐसा कुछ ही आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। बाकी ये जो ओवरवीएम्स ना, इनके ऊपर आपके यहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा, और इन्हें आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड दोनों ही कर सकते हैं, जो कि ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, ये आप देख सकते हैं। बाकी अगर कीज़ की बात करें, तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर बेस वेरिएंट के अंदर कुछ इस तरह की कीज़ मिल जाएगी, लॉक और अनलॉक के ऑप्शन के साथ की आ रही है। सुजुकी का लोगो आपको यहाँ मिलेगा, एंड स्मार्ट कीज़ है, तो कीलेस एंट्री पुश बटन स्टार्ट भी आएगा इस कार के अंदर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसमें।
रिक्वेस्ट सेंसर कीलेस एंट्री के लिए एंड इस साइड पर भी है, ये उस साइड पर भी है एंड साथ ही साथ में इसके टेल गेट में भी यही चीज़ आपको ऑफर की जाती है। बाकी अंदर लेकर चलता हूँ मैं आपको कार के। डोर पैड आप सबसे पहले आप यहाँ पर इसका देख सकते हो, ड्यूल टोन के अंदर ही आपको पूरा देखने को मिलेगा। ऑल फोर पावर विंडो कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, ओवरवीएम के एडजस्टर्स हैं यहाँ पर, नीचे बॉटल होल्डर आपको मिल जाएगा, आपको स्पीकर दिया गया, फ्रंट टू स्पीकर्स आ रहे हैं इस कार के अंदर, म्यूजिक सिस्टम नहीं है बट स्पीकर्स यहाँ पे दे रहे, पीछे कोई स्पीकर्स नहीं मिलेंगे। बाकी यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल है। मैं आ चुका हूँ कार के अंदर एंड नॉर्मल सिटिंग पोजिशन मेरी ये रहने वाली है एंड डैशबोर्ड लेआउट ऐसा कुछ आपको पूरा देखने को मिलेगा, ड्यूल टोन के अंदर ही आपको मिल जाता है जो कि ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये थोड़ा ब्राउनिश पर्पल टच आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, हार्ट क्लासिक्स आपको पूरे देखने को मिलेंगे। म्यूजिक सिस्टम इस कार के अंदर नहीं आएगा बेस वेरिएंट के अंदर। एसी का वेंट्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, हजार्ड लाइट का स्विच है, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है, नीचे ट्रैक्शन ऑन ऑफ आप कर सकते हैं यहाँ से, ऑटो इंजन ऑन ऑफ का स्विच है, स्टोरेज स्पेस आपको नीचे दिखी है, 12 वॉट्स का पावर सॉकेट है, ऐसे कुछ यहाँ पर आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, वाइट इल्यूमिनेशन के साथ ही आपको पूरा देखने को मिलेगा। स्टेयरिंग व्हील आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आ रहे हैं इसके अंदर बट कोई भी आपको यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम इस कार में नहीं मिल रहा है। एडजस्टमेंट की अगर बात की जाए तो इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही वे इसके अंदर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। हेडलैम्प के लिए टॉगल यहाँ पर है और इस साइड पर आपको मिल जाता है वाइपर के लिए टॉगल, यहाँ पर आपको एक एसी वेंट मिल जाएगा, नीचे आ रहा है यहाँ पर इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच, नीचे आपको हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। बाकी कैबिन आप एक बार यहाँ से कंप्लीट देख सकते हो, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा। 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स का ऑप्शन आपको मिलता है बेस वेरिएंट के अंदर, यहाँ पर हैंड ब्रेक पीछे आर्मरेस्ट मिल जाता है, सॉफ्ट कुशनिंग के साथ है, स्टोरेज स्पेस भी है, बॉटल होल्डर्स हैं और सीट्स आप देख सकते हो ऐसी कुछ ही आपको मिल जाती है। ड्यूल टोन के अंदर ही ये रहने वाली है कंप्लीट ब्लैक एंड पर्पलिश ब्राउन कलर के अंदर, यहाँ पर आपको इसके अंदर ग्लव बॉक्स के अंदर स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी मिल जाएगी, ऊपर सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर आ रहा है एंड ये आप देख सकते हो, और इस साइड पर भी आपको यहाँ पर ये चीज़ मिल जाता है। क्या बात है यार, अपनी स्कॉर्पियन Z6 के अंदर एक साइड पर भी नहीं है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैनुअल डे नाइट RPM, दो लाइट्स हैं हेलोजन के अंदर, सेफ्टी के अंदर आपको यहाँ पे फ्रंट टू एयरबैग्स मिल जाते हैं और आपको यहाँ ABS-3D ब्रेक असिस्ट, आइसोफिक्स सीट माउंट्स, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे बेसिक फीचर्स तो मिलते हैं। टॉप एंड अगर आप लोगे तो उसके अंदर आपको सनरूफ मिल जाएगी जो कि इसमें मिसिंग है, वहाँ पर हेलोजन में लाइट है। बाकी कंप्लीट सेटअप आपने देख लिया, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ बैक सीट में, दिखाता हूँ कि बैक सीट में कैसा कुछ कंफर्ट वगैरह इस कार में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर बैक डोर की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूल टोन के अंदर ही आपको पूरा देखने को मिलेगा, फैब्रिक फिनिशिंग आपको मिल जाती है यहाँ पर भी, ऑफ फ्रंट पे भी ये चीज़ आपको सेम देखने को मिलेगी। नीचे स्पीकर के लिए खाली जगह बट कोई भी स्पीकर इसमें नहीं आएगा, बॉटल होल्डर मिल रहा है, क्रोम डोर हैंडल है, पावर विंडो का स्विच है यहाँ पर इसके अंदर। बाकी अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ कार के एंड दिखाता हूँ कि कैसे कुछ बैक सीट एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर इसमें मिलने वाला है। जो ड्राइवर साइड सीट है वो मेरे नॉर्मल ड्राइविंग पोजिशन के हिसाब से सेट है एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल स्पेस वगैरह में काफ़ी अच्छा मिल पा रहा है। डिसेंट अमाउंट ऑफ नी रूम, लेग रूम एंड हेड रूम है इस कार के अंदर। मेरी 8.6 feet ऑफ और रेफरेंस एंड मैं बहुत ही आराम से यहाँ पर इस कार में बैठ पा रहा हूँ। यहाँ पर इस पर 3 हेडरेस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हो तीनों ही एडजस्टेबल टाइप के हैं। सेंटर में यहाँ पर इसमें आर्मरेस्ट भी आएगा, इसके अंदर की 2 बॉटल होल्डर्स भी आपको मिल जाते हैं, रियर AC वेंट्स भी आ रहे हैं इस कार में, यहाँ पर मैप पॉकेट्स भी आपको देखने को मिलेंगे इन सीट्स के अंदर। थोड़ा सा हम पर सेंटर में कोई खास दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बाकी तो कैबिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील हो रहा है यहाँ पर, कोई कमी मेरे को ऐसा फील नहीं हो रही है। अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट यहाँ पर इस कार में मिल जाती है, 3 सीट बेल्ट भी आ रही है, यहाँ लाइट है हेलोजन के अंदर और यहाँ पे हैंडल है कोट हुक के साथ। बाहर चलते हैं और चेक कर लेते हैं अब इसका बूट। तो गाइस इसके टेल गेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ मिल जाएगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनर बटन, जिसको प्रेस करके आप इसका टेल गेट ओपन कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक सेंसर भी दिया गया है यहाँ पर इसमें कीलेस एंट्री के लिए, ये आप देख सकते हो यहाँ पर 2 स्विचेस यहाँ दिए गए हैं। हेलोजन में नंबर प्लेट लाइट्स रहने वाली है। बूट स्पेस आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, पार्सल ट्रे बेस वेरिएंट के अंदर नहीं आने वाली है। और व्हील कवर्स मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, बेस वेरिएंट के अंदर ऐसे कुछ ये व्हील कवर्स आएंगे जो कि इंस्टॉल कर दिए जाएंगे यहाँ पर इन टायर्स पर जब आप डिलीवरी लेने आओगे अपनी कार की। बाकी तो बूट आप देख सकते हो, रियर सीट्स जो हैं वो यहाँ पर इस पर 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आती हैं एंड ये फीचर काफ़ी अच्छा लगता है। एंड जो सीट्स हैं ना वो आप यहाँ पे बेसिकली रिक्लाइन भी कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, मतलब जो पीछे बैठा है वो आगे पीछे से अपने हिसाब से कर सकता है। इसके नीचे आपको यहाँ पर इसका स्पेयर व्हील मिल जाएगा एंड एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे मारुति ने की है, बिल्कुल सेम साइज 17 inches का सेम स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है इस कार के अंदर। बाकी फिलहाल के लिए अब यहाँ से इसको बंद कर देते हैं एंड बात कर लेते हैं इस कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा सिग्मा बेस वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 10.70 लाख रुपीज़ और ये कार आपको ऑन रोड
चंडीगढ़ के अंदर पड़ने वाली है अराउंड 12.20 लाख रुपीज़ की। आपकी कार कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे को कार पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर आप में से कोई इसे ओन करता है और अपनी कार को ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको इन्वॉल्व के कार परफ्यूम का, जिससे कि जाकर आप जरूर से बाय कर लें ताकि आप भी एक मस्ती फ्रेग्रेंस का मजा ले सकें अपनी कार के अंदर। थैंक यू।